Okay, so today we are going to learn about chapter 6, My School. Today we read about My School. Aaj hum My School ke bare mein read karenge. And in this chapter, we read about school building. Okay, now today we read about school building. Today we read about school building. हम school building के बारे में पढ़ने वाले हैं. And don't trouble them. Okay. Now today we read chapter 6, My School. And in this chapter, we read about school building, activities at school, and people in school. School mein kaun kaun se people hote hai, school ki building kaisi hoti hai, aur school mein kya kya activities hoti hai. Okay? So, aaj hum sabhi My School ke baare mein read karenge. Now read it carefully with me, okay? Now first paragraph, school is our second home. School हमारा दूसरा घर है, okay? School is our second home. और ये क्यों है दूसरा घर? क्योंकि अगर घर के बाद आप सबसे ज्यादा टाइम कहीं बाहर स्पेंड करते हैं तो स्कूल में करते हैं. 5 to 6 आवर्स आप कहाँ पर रहकर पढ़ाई करते हैं? स्कूल में. इसीलिए स्कूल को हम दूसरा घर भी कहते हैं. ओके, नाउ इट इज अ प्लेस वेयर वी लर्न न्यू थिंग्स, स्टडी एंड मेक फ्रेंड्स. और ये प्लेस है, ये एक ऐसा स्थान है या एक ऐसा प्लेस है जहाँ हम नई नई थिंग्स के बारे में सीखते हैं, पढ़ाई करते हैं और फ्रेंड्स बनाते हैं. आप सभी क्लास में फ्रेंड्स बनाते हैं ना? ओके, तो हम क्लासेस में जब स्कूल आते हैं तो स्कूल एक ऐसा प्लेस है जहां पर हमें बहुत सारी थिंग्स, न्यू थिंग्स सीखने को मिलती है, नई थिंग्स सीखने को मिलती है. साथ में पढ़ाई करते हैं और साथ ही साथ आपके जो भी बैचमेट्स होते हैं उनमें से आप खुद को अपना फ्रेंड भी बनाते हैं. तो हम स्कूल में ही फ्रेंड बनाते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट पैरा, एट होम आवर एल्डर्स टीचर्स. घर पर हमें हमारे बड़े पढ़ाते हैं. ओके, घर पर हमको हमारे बड़े पढ़ाते हैं, आपके एल्डर्स, जैसे आपके बड़े भाई बहन, आपके मदर, आपके फादर, इवन योर ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो. ओके, एट स्कूल आवर टीचर्स टीचर्स न्यू थिंग्स, गुड मैनर्स एंड हैबिट. ओके, और स्कूल पर हमें कौन पढ़ाता है? आपको आपको स्कूल पर टीचर पढ़ाती है ना, लाइक मी एंड अदर टीचर. ओके, तो स्कूल पर आपको टीचर्स पढ़ाती है और नई थिंग्स के बारे में जो भी सिखाती है टीचर सिखाती है आपको, यहाँ तक कि गुड मैनर्स, आपको किस तरह से सभी को गुड मॉर्निंग विश करना है, आपके मैनर्स क्या होंगे बैठने के, और गुड हैबिट, आपकी अच्छी आदतों के बारे में भी आपको टीचर सिखाती है स्कूल में. ओके, नाउ स्कूल बिल्डिंग हैज मेनी रूम सच एज. एक स्कूल बिल्डिंग में कई सारे रूम होते हैं जैसे कि. ओके, नाउ अब हम स्कूल बिल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे कि स्कूल बिल्डिंग में क्या क्या रूम होते हैं, कौन कौन से रूम होते हैं. ओके, तो स्कूल बिल्डिंग में बहुत सारे रूम होते हैं. एंड फर्स्ट इज प्रिंसिपल्स रूम. ओके, नाउ कम टू द प्रिंसिपल्स रूम. This is the room where the principal of the school sits and works. यह वह रूम है जहां पर स्कूल के प्रिंसिपल बैठते हैं और वर्क करते हैं. ओके, तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन में स्कूल के जो प्रिंसिपल है
वो सीट पर बैठी हुई है और अपना ऑफिस वर्क कर रही है. ओके, आप सभी ने अपने स्कूल में देखा होगा कि प्रिंसिपल सर प्रिंसिपल रूम में बैठते हैं और वहीं पर वर्क करते हैं. अच्छा, आप सबने देखा है, जिन्होंने देखा है रेज योर हैंड. प्रिंसिपल रूम देखा है आप सबने? ओके, डाउन योर हैंड. ओके, आप सबको पता है कि प्रिंसिपल रूम में प्रिंसिपल बैठते हैं और वर्क करते हैं. ओके, नाउ सेकेंड इज क्लासरूम. ओके, दिस इज वेयर स्टूडेंट स्टडी एंड स्पेंड मैक्सिमम टाइम. ओके, सेकेंड होता है क्लासरूम. यहाँ पर स्टूडेंट बैठकर पढ़ाई करते हैं और सबसे अधिक टाइम, जो आपका सबसे अधिक समय कहाँ पर होता है, निकलता है, स्पेंड करते हैं आप क्लासरूम में. ओके, तो आप सबने अपनी अपनी क्लासरूम देखी हुई है और आप देख सकते हो पिक में, लुक एट द पिक्चर, टीचर टीच कर रही है और स्टूडेंट बैठकर पढ़ाई कर रहे. ओके, दिस इज ब्लैक बोर्ड. ओके, टीचर बच्चों को बैठ के पढ़ा रही है ना क्लासरूम में. और आप सब ने क्लासरूम देखे हैं ना. ठीक है, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, तो चुपचाप से आप सब बैठ के बिना शोर किए हुए पढ़ाई करते हैं ना. सो दिस इज क्लासरूम. ओके, जहाँ पर आप सबसे अधिक समय निकालते हैं. ओके, सबसे अधिक समय स्पेंड करते हैं और पढ़ाई करते हैं. नाउ दिस इज पेज नंबर 45. ओके, नाउ कम टू द पेज नंबर 46. ओके, कम टू द पेज नंबर 46. नाउ फर्स्ट इज कंप्यूटर रूम. ओके, क्लासरूम के बाद आता है कंप्यूटर रूम. दिस इज where all the computers are kept for the students to learn computer skills. Okay, so look at the picture. Computer रखे हुए हैं. Okay, जहाँ पर computer रखते हैं उस room को हम computer room कहते हैं. और computer room में बच्चे जाकर computer के बारे में, students computer की जो भी knowledge है, skills है, computer के बारे में सीखते हैं. Okay, तो कंप्यूटर रूम एक ऐसा रूम होता है जहां पर कई सारे कंप्यूटर रखे होते हैं और स्टूडेंट्स जाकर वहां पर कंप्यूटर से जुड़ी जो भी जानकारियां होते हैं उसके बारे में सीखते हैं. ओके, आप सबने देखा है, तो फटाफट से रेज योर हैंड जिन बच्चों ने कंप्यूटर रूम अपने स्कूल में देखा है. ओके, डाउन योर हैंड. नेक्स्ट इज लाइब्रेरी. This is where the students can read the different books. Okay, so library एक ऐसा place है जहाँ पर students बहुत सारी books को की पढ़ाई करते हैं. Okay, बहुत सारी books को पढ़ सकते हैं. Okay, read कर सकते हैं. तो library में कई सारी books रखी होती हैं, different different types की, story book, subjective book. Okay, ड्राइंग बुक्स. तो वहां पर जाकर बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, उन बुक्स को रीड कर सकते हैं. ओके, स्टूडेंट्स कैन इवन बोरो बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी. और यहाँ तक कि स्टूडेंट लाइब्रेरी से बुक्स को बोरो कर सकते हैं. अब बोरो कैसे कर सकते हैं, आप लाइब्रेरी से बुक्स को अपने घर पर ले भी जा सकते हैं. दे कैन रीड एंड रिटर्न द बुक लेटर. और बुक पढ़ने के बाद आप बुक को लाइब्रेरी को वापस कर देंगे. ठीक है, पढ़ने के लिए आप बोरो करते हैं और पढ़ने के बाद आप लाइब्रेरी को फिर से बुक वापस कर देते हैं. तो लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं जिनके को स्टूडेंट रीड कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं और रीड करने के बाद उन्हें लाइब्रेरी में वापस से रिटर्न कर देते हैं. ओके, डू यू अंडरस्टूड? ओके, ऑल ऑफ यू सी लाइब्रेरी. आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी सारे अलमीरा कबर्ड्स में बुक्स रखी हुई है और स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, बुक्स को रीड कर रहे हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज म्यूजिक रूम. ओके, हियर द स्टूडेंट्स लर्न टू सिंग, डांस एंड प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. अब लुक एट द पिक्चर, दिस इज म्यूजिक रूम. ओके, जहां पर बच्चे क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट
गाना सीखते हैं, डांस करना सीखते हैं और इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना सीखते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट आप देख सकते हैं कि कोई तबला प्ले कर रहा है, कोई ड्रम्स प्ले कर रहा है, गिटार प्ले कर रही है गर्ल, एंड बॉय क्या कर रहा है, बॉय सिंग कर रहा है, बॉय गाना गा रहा है। ओके, तो म्यूजिक रूम एक ऐसा प्लेस है जहां पर सभी स्टूडेंट सिंग करते हैं, गाना सीखते हैं, डांस करना सीखते हैं, और जिन बच्चों को इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना होता है वो इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करना भी, बजाना भी सीखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मेडिकल रूम और अ सिक रूम। ओके, ये दिस इज द रूम वेयर स्टूडेंट्स हु फील अनवेल और ट्रीटेड एंड आर टेकन केयर ऑफ। ओके, तो मेडिकल रूम और सिक रूम एक ऐसा रूम है जहां पर स्टूडेंट जब अच्छा फील नहीं करते या बीमार सा फील करते हैं या उनको सिकनेस फील होती है, ओके, तब उनको वहां पर रखा जाता है और उनकी वहां पर केयर की जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा आपकी क्लास में भी किसी बच्चे को वॉमिट होने लगती है या फीवर आ जाता है, तो उसको अलग रूम में ले जाकर वहां पर उसकी ट्रीट उसको रखा जाता है जब तक कि उसके पेरेंट्स लेने नहीं आते ना। तो इस तरह से उसकी केयर करने के लिए एक अलग रूम होता है जहां पर उसको अच्छा फील हो। ओके, नाउ इन केस अ स्टूडेंट गेट हर्ट, ही और शी इज गिवन फर्स्ट एड हियर। और कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होते हैं, स्टूडेंट्स को इंजरी हो जाती है जब वो प्लेइंग रूम में खेलते हैं, प्ले रूम में, अगर इंडोर खेल रहे हैं तो इंडोर प्ले, या फिर स्पोर्ट्स जो भी आउटडोर पे वो करते हैं, ठीक है, प्ले ग्राउंड में खेलते हैं, और प्ले ग्राउंड में खेलते हुए जब बच्चे इंजर्ड हो जाते हैं, स्टूडेंट्स इंजर्ड हो जाते हैं, तो उनको फर्स्ट एड भी, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, ओके, ही और शी, यानी दोनों को ही फर्स्ट एड मेडिकल रूम में ही मिलती है। अगर आपको चोट लग जाती है तो सबसे पहले फर्स्ट एड आपको कहाँ मिलेगी, मेडिकल रूम में मिलेगी। ओके, लुक एट द पिक्चर, दिस इज मेडिकल रूम जहां पर एक स्टूडेंट इंजर्ड हो गया है और नर्स उन्हें बैंडेज कर रही है, ओके, बैंडेज लगा रही है, उनको फर्स्ट एड दे रही है। ओके, सो दिस इज मेडिकल रूम। ओके, नाउ हियर पेज नंबर 46 इज कंप्लीटेड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स रूम। ओके, दिस इज द रूम वेयर इंडोर गेम्स एंड ऑल स्पोर्ट्स रिलेटेड थिंग्स सच एज क्रिकेट, हॉकी, बैट एंड बॉल आर कैप्ट। ओके, तो स्पोर्ट्स रूम एक ऐसा रूम होता है जहां पर सभी इंडोर गेम्स का सामान, ओके, इंडोर गेम्स खेले जाते हैं या फिर दूसरे स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी थिंग्स होती है, जैसे क्रिकेट का बैट है, हॉकी है, बॉल है, वो सभी रखे होते हैं। ओके, तो कुछ जो स्कूल्स होते हैं उन स्कूल्स में अलग से स्पोर्ट्स रूम होता है, अपने स्कूल में भी है स्पोर्ट्स रूम जहाँ पर स्पोर्ट्स का सारा जो भी थिंग्स होती है, हॉकी, बैट, रैकेट, टेनिस रैकेट, बॉल, ठीक है, तो इस तरह से सारी थिंग्स स्पोर्ट्स की स्पोर्ट्स रूम में रखी होती है, और इंडोर गेम्स जो भी होते हैं लाइक कैरम, टीटी, ये सभी बच्चे कहाँ, स्पोर्ट्स रूम में खेलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ऑडिटोरियम। दिस इज अ बिग हॉल विथ अ स्टेज ऑन विच द कल्चरल प्रोग्राम्स ऑफ द स्कूल टेक प्लेस। ओके, ऑडिटोरियम एक बहुत बड़ा सा हॉल होता है जिसके साथ में एक स्टेज होता है और जहां पर स्कूल के कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। जब भी स्कूल में कोई फंक्शन होता है, ठीक है, चाहे एनुअल फंक्शन हो या कोई महोत्सव हो, या तो इस तरह के जब कल्चरल एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करनी होती हैं या जो भी कल्चरल प्रोग्राम्स जैसे डांस है, प्लेज है, तो ये सभी कहाँ होते हैं, ये सभी ऑडिटोरियम में होते हैं। आप सबने ऑडिटोरियम देखा है अपने स्कूल का,
ना अपने स्कूल का ऑडिटोरियम बहुत बड़ा सा है, उसमें बहुत बड़ा सा बिग हॉल है, ओके हैंड्स डाउन, और उसमें आप सब ने कभी ना कभी पार्टिसिपेट भी किया होगा कल्चरल प्रोग्राम्स में. इट हैज सीट फॉर द व्यूअर्स टू सिट एंड वॉच द शो. और हॉल में काफी सारी सीट्स होती हैं जहां पर व्यूअर्स बैठते हैं और शो को देखते हैं, यानी दर्शक जो हैं वो बैठकर हॉल में जो भी प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, जो भी प्ले या डांस हो रहे होते हैं, वो सभी बैठकर देखते हैं. ओके, सो हियर लुक एट द पिक्चर. दिस इज ऑडिटोरियम. ऑडिटोरियम में एक बड़ा सा हॉल है, साथ ही साथ एक स्टेज है, ठीक है, और स्टेज के अपोजिट साइड में सीट रखी हुई है जहां पर व्यूअर्स बैठकर किसी भी प्रोग्राम को देख सकते हैं. ओके, देखते हैं. ओके, सो दिस इज ऑडिटोरियम. ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टाफ रूम. दिस इज द रूम वेयर द टीचर्स सिट ड्यूरिंग देयर फ्री क्लासेस. ओके, तो स्टाफ रूम एक ऐसा रूम है, यह वह रूम है जहां पर टीचर अपने फ्री क्लासेस के टाइम पर बैठते हैं. ओके, जब टीचर्स आपको पढ़ा नहीं रहे होते हैं तो वो फ्री होते हैं, और उस फ्री टाइम पर टीचर्स कहाँ बैठते हैं? टीचर्स स्टाफ रूम में बैठते हैं. दे कैन चेक कॉपीज, सिट एंड टॉक और हैव लंच इन द स्टाफ रूम. ओके, और वो क्या क्या करते हैं स्टाफ रूम में? वे आप सबकी नोटबुक चेक करते हैं, बैठते हैं और बातें करते हैं, यहाँ तक कि अपना लंच भी वो कहाँ करते हैं? स्टाफ रूम में करते हैं. ओके, तो आप देख सकते हैं, दिस इज द पिक्चर ऑफ स्टाफ रूम. स्टाफ रूम में बहुत सारी टीचर्स बैठी हुई हैं और कोई नोटबुक चेक कर रहे हैं ना, और या टॉकिंग कर रहे हैं, तो इस तरह से कॉपीज चेक कर रहे हैं, नोटबुक चेक कर रहे हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ऑफिस. ओके, ऑल द इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द स्कूल इज डन हियर. ओके, तो ऑफिस में सभी प्रकार का जो भी बहुत इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, स्कूल से रिलेटेड जो भी वर्क होता है, वो सभी कहाँ होते हैं? ऑफिस में होते हैं. ओके, तो ऑफिस स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफिस में होता है, और आप सभी जब भी आपके पेरेंट्स आते हैं तो सबसे पहले ऑफिस में आते हैं ना, तो ऑफिस में देखते हैं. ओके, सो हियर पेज नंबर 47 इज कंप्लीटेड. ओके, ओके, नाउ वी रिपीटेड. आप सबने टुडे वी लर्न अबाउट स्कूल बिल्डिंग. ओके, फर्स्ट इज प्रिंसिपल रूम, जहां पर प्रिंसिपल सर बैठते हैं. नाउ सेकेंड इज क्लासरूम, जहां पर टीचर्स आपको पढ़ाती हैं और आप बहुत अधिक समय क्लासरूम में निकालते हैं. ओके, नाउ थर्ड इज कंप्यूटर रूम, जहां पर कंप्यूटर के बारे में सीखते हैं और कंप्यूटर्स रखे होते हैं. फोर्थ इज लाइब्रेरी, जहां पर बहुत सारे बुक्स रखती हैं और स्टूडेंट बुक को रीड कर सकते हैं. ओके, फिफ्थ इज म्यूजिक रूम, जहां पर बच्चे गाना सीखते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करने के साथ साथ डांस सीखते हैं. मेडिकल रूम, जहां पर स्टूडेंट्स को फर्स्ट एड दी जाती है, उस रूम को हम मेडिकल रूम कहते हैं. नाउ नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स रूम, जहां पर इंडोर गेम्स प्ले किए जाते हैं. नेक्स्ट इज ऑडिटोरियम. ओके, ऑडिटोरियम में कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं स्कूल की और व्यूअर्स उन्हें बैठकर एंजॉय कर सकते हैं. नेक्स्ट इज स्टाफ रूम, जहां पर टीचर अपने फ्री टाइम पे बैठते हैं. ओके, नाउ लास्ट इज ऑफिस. ओके, ऑफिस में स्कूल का जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, स्कूल से रिलेटेड जो भी वर्क होता है, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफिस में किया जाता है. ओके, सो हियर पेज नंबर 47 इज कंप्लीटेड. एनी डाउट्स?